गाइस, लाइव स्ट्रीम का वॉच टाइम काउंट होता है या नहीं काउंट होता है आपके चैनल को मोनेटाइज करने के लिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो बहुत लोगों के दिमाग में अभी भी है, ठीक है। तो लोग मेरे से भी बहुत बार कमेंट करके पूछते हैं कि भाई लाइव स्ट्रीम का वॉच टाइम काउंट होगा क्या हमारे चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए, और उसके बाद ये कन्फ्यूजन तो है बहुत लोगों के दिमाग में, मुझे पता है। इस टॉपिक पे मैं वीडियो थोड़ा आराम से बनाता था, आराम से समझाता था आप लोगों को, बट अब ये वीडियो बनाना जरूरी है और आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में वीडियो को बना रहा हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि हुआ क्या, कल टेक्निकल योगी सर ने हमारे जिनका चैनल 1.15 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला है, उन्होंने कल एक वीडियो डाली जहां पे उन्होंने क्या बताया आप खुद देख लो। मतलब वीडियो का आखिरी कंक्लूजन क्या था, टाइटल तो है वीडियो YouTube मोनेटाइजेशन वेरी बैड अपडेट, 4K वॉच टाइम रूल्स हैज चेंज, ये वीडियो का टाइटल है। तो वीडियो में बताया क्या गया है कि मोनेटाइजेशन के लिए ये चैनल का अपना लाइव स्ट्रीम का जो वॉच टाइम है वो काउंट होगा या नहीं होगा, देखो क्या बताया है। तो मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूं, देखो। अब काउंट नहीं होगा। तो दोस्तों बुरी खबर ये है कि अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हो तो जो आप लाइव स्ट्रीम करते हुए जो वॉच टाइम आप गेन कर रहे हो वो आपका काउंट नहीं होगा। अब मोनेटाइजेशन के लिए इसको हम जो वैलिड पब्लिक वॉच आवर है उसमें नहीं गिना जाएगा। बस तो यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे वीडियो के एंड में कंक्लूजन ये मिला हमको टेक्निकल योगी सर के तरफ से कि जो लाइव स्ट्रीम करते हुए जो आप वॉच टाइम कमाओगे वो काउंट नहीं होगा। बट ये गलत है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे गलत है। एक्चुअली मैं यहाँ पे टेक्निकल योगी सर को गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे बात ये है कि इनको शायद से वो यूट्यूब यानी गूगल सपोर्ट से जो इन्होंने बात किया उन लोगों ने इनको गलत इन्फॉर्मेशन दिया, इसीलिए इन्होंने भी गलती से गलत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के द्वारा दे दी। तो यहाँ पे टेक्निकल योगी सर के लिए फुल रिस्पेक्ट है, उनका कोई गलती नहीं, उनका वीडियोज मैं खुद देखता हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं सही क्या है, सही इन्फॉर्मेशन क्या है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। देखो सही इन्फॉर्मेशन ये है, सबसे पहली बात आप लोगों को पता है मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया जहाँ पे मैं सिर्फ लाइव स्ट्रीम करता हूँ, ओके। तो ये चैनल भी मैंने अभी एक महीने पहले ही बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा वॉच टाइम, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, एनालिटिक्स में जाता हूँ, यहाँ पे आप पहले मेरा पूरा वॉच टाइम देख लो लाइव टाइम का, ओके, लाइव टाइम का वॉच टाइम देख लो। अभी अभी तो चैनल बनाया यार, ये देखो फेब्रुअरी 28 के बाद से यहाँ पे लाइव स्ट्रीम होना शुरू हुई है, ये सारी लाइव स्ट्रीम है, थोड़ी बहुत ही लाइव स्ट्रीम भी मैंने इस पर किया, ज़्यादा नहीं किया। यहाँ पे आप वॉच टाइम देख सकते हो 837 आवर्स वॉच टाइम यहाँ पे मुझे मिला है, और यहाँ पे आपको मैं मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन भी दिखा दूँ तो यहाँ पे 837 वाला जो वॉच टाइम है वो पूरा के पूरा काउंट हुआ है मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीम का वॉच टाइम यहाँ पे काउंट हुआ है, बट रुक जाओ मैं और अच्छे से क्लियर आप लोगों को बताता हूँ। इतना सा देख के आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि भाई क्योंकि मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं गलत साबित कर रहा हूँ, तो फिर और प्रूफ तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये और रही बात वीओडी की, ये चीज को देख के सब लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है जो यहाँ पे पेज पे लिखा हुआ है हमारे support.google के जो गूगल के पेज पे लिखा हुआ है कि वॉच आर गेन्ड थ्रू दिस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वीडियो नॉट काउंट टूवर्ड ये YPP मतलब YouTube पार्टनर प्रोग्राम में, ठीक है। तो लास्ट लाइन लिखिए, लाइव स्ट्रीम्स नॉट कन्वर्टेड टू VOD वीडियो ऑन डिमांड। तो ये लाइन में सबको कंफ्यूजन है, इसका असली मतलब किसी को नहीं पता, मैं समझाऊंगा चिंता मत करो, मुझे पता है इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे इसका असली मतलब मेरे ख्याल से कुछ यूट्यूब सपोर्ट के लिए जो चैट के लिए बैठे उनको भी नहीं पता, ठीक है, फन फैक्ट है, सीरियस मतलब। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है लाइव स्ट्रीम नॉट कन्वर्टेड टू VOD, जब आप लोग लाइव स्ट्रीम करते हो ना, देखो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। यहाँ पे लाइव स्ट्रीम के हम लोग इस पे जाते हैं सेक्शन पे, गो लाइव वाले, तो जब हम लोग लाइव स्ट्रीम को सेटअप करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है लाइव स्ट्रीम को सेटअप करते हुए लास्ट में, अनलिस्ट लाइव रिप्ले वन स्ट्रीम एंड्स, मतलब जब आपकी लाइव स्ट्रीम एंड हो जाएगी, जब आप अपनी लाइव स्ट्रीम को एंड कर दोगे तो वो लाइव स्ट्रीम ऑटोमेटिकली अनलिस्टेड हो जाएगी। ये लाइव स्ट्रीम करने का एक फीचर है, क्योंकि कुछ लोग जो जिनका चैनल बड़ा है, जो वीडियो के दम पे बड़े बने, वो नहीं चाहते कि उनकी वीडियोज की लिस्ट में कहीं कहीं लाइव स्ट्रीम भी दिखाई दे, तो इसलिए वो लोग प्रीफर करते हैं कुछ लोग कि अपनी लाइव स्ट्रीम को अनलिस्टेड कर देते हैं लाइव स्ट्रीम एंड होते से ही, तो यहाँ पे ये ऑप्शन को ऑन रखते हैं। तो जो लोग ये ऑप्शन को ऑन रखेंगे ना, उनकी जो वॉच टाइम है लाइव स्ट्रीम के दौरान वो काउंट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है ऊपर ही कि अनलिस्टेड वीडियोस, प्राइवेट वीडियोस, डिलीटेड वीडियोस, इनका वॉच टाइम काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पे जब आप अपनी लाइव स्ट्रीम को एंड करते से अनलिस्टेड ऑटोमेटिकली आपकी लाइव स्ट्रीम हो जाती है, तो उसको कहा जाता है लाइव स्ट्रीम नॉट कन्वर्टेड टू VOD, उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ये जो VOD वाला मैटर है, ये वो जो कन्फ्यूजन है सबका, वो ये है VOD ये होता है। अब आप बोलोगे कि भाई उन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाया, पॉलिसी वो चैट वेट किया गूगल यूट्यूब की टीम से ये वो, तो भाई उतना प्रूफ मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने भी चैट किया, मुझे पहले से पता था ये सारी चीज़ें और मुझे पहले से कन्फर्म थी ये इन्फॉर्मेशन, तो लेकिन फिर भी यार आप लोगों को प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दिखाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने भी चैट किया और मैंने कॉन्फिडेंस से चैट किया क्योंकि मुझे पता है क्या है। तो यहाँ पे मैंने बोला, आई वॉन्ट टू आस्क, सपोज आई क्रिएट अ न्यू यूट्यूब चैनल एंड आई स्टार्टेड ओनली लाइव स्ट्रीमिंग ऑन दैट चैनल, देन वॉच टाइम ऑफ दैट लाइव स्ट्रीम इज एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन और नॉट, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने ये बहुत घाई घाई में क्वेश्चंस पूछे ताकि जल्दी से वीडियो बना दूं, ठीक है। तो ये यहाँ पे गुड क्वेश्चन बोल दिया, ये फन देखो यहाँ पे, दैट्स अ गुड क्वेश्चन बोल दिया, मैंने बोला थैंक यू, ठीक है। तो यहाँ पे भलते ही मुझे रिप्लाई दे दिया यार, ये कोई काम का रिप्लाई नहीं, मैंने बोला कैन यू प्लीज रीड माई क्वेश्चन वंस अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मुझे रिप्लाई आया, आई सी, थैंक यू फॉर दैट, कैन यू प्लीज गिव मी कपल ऑफ मिनट, मैंने दे दिया। यहाँ पे लिखा है, अपॉन चेकिंग योर लाइव स्ट्रीम्स वॉच टाइम वुड बी इंक्लूडेड ऑन योर मेट्रिक्स टू मोनेटाइज सो लॉन्ग एज द लाइव स्ट्रीम मीट्स टू मोनेटाइजेशन पॉलिसी, मतलब वो गलत वलत कुछ कॉपी राइटेड वगैरह मत दिखाओ अपने लाइव स्ट्रीम पे, ऐसा चीज है ये मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज रिलेटेड, ठीक है। और नीचे फिर मैंने पूछा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग लाइव स्ट्रीम नॉट कन्वर्टेड टू वीओडी दैट दिस मीन्स द लाइव स्ट्रीम विच इज अनलिस्टेड आफ्टर इट एंड्स इज द लाइव स्ट्रीम नॉट कन्वर्टेड टू वीओडी, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट्स राइट। तो मतलब मुझे जो जानकारी थी, मेरी समझ जो थी वो सही थी। तो ये वीडियो में मुझे ये बताना था, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, और हमारे टेक्निकल योगी सर तक जरूर इस वीडियो को पहुँचाओ। ऑलरेडी वो उनकी वीडियो जो है वो करीबन 100,000 लोगों तक पहुँचने वाली है, मतलब 100,000 व्यूज़ उनके वीडियो पे आने ही वाले हैं 100 के। तो यार ऑलरेडी 100,000 लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी पहुँच गई है गलती से, तो सही इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो। आप जितने भी आपके न्यू यूट्यूबर्स फ्रेंड्स वगैरह उनसे शेयर करो, और हो सके तो टेक्निकल योगी सर तक भी इस वीडियो को पहुँचा दो ताकि उनको भी पता चले, और सही इन्फॉर्मेशन भी वो भी एक वीडियो बना दे ताकि ज़्यादातर लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पता चल पाए। तो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, सही जानकारी आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेगी।